So, alright guys and welcome back to the PCB Vlogs और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। पीछे देख ही सकते हो गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा refreshing fruit जो मेरे को लगता है तहे दिल से वो मम्मी अभी काट रही है। ये देख सकते हो ये कट रहा है हमारा भाई तरबूज है भाई मम्मी जो कि और है तरबूज और तरबूज ही है ये और वाटरमेलन और मतीरा और मतीरा तो देख लो भाई काट के भर दिया है और बिल्कुल ठंडा ठंडा बहुत जबरदस्त लगता है। और एक चीज और बता दो आज हमने क्या किया। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ग्लूकोन डी के ज्यादातर ना फ्लेवर्स जो हमारे फेवरेट है वो ऑरेंज और कौन सा था नींबू पानी था। तो आज हमने क्या किया लव ऑरेंज रहा लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर एक ट्विस्ट दिया कि हमने दोनों के दोनों फ्लेवर इसमें आज मिला दिए। और फिर अभी मैंने अभी नहीं इससे पहले भी मैंने टेस्ट कर लिया था तो लेकिन ऑरेंज फ्लेवर जो है ना वो ओवर पावर करते हैं नींबू वाले को। लेकिन एंड में जाते रहते नींबू भी ऐसा कहता है कि मैं भी हूँ है भाई मम्मी एंड में जाके वो जो नींबू का जो टेस्ट आता है लेकिन दोनों की जो कॉकटेल बना दी है ना जबरदस्त लगती है। मम्मी आपको कैसी लगी आइडिया मम्मी का ही था मम्मी ने कहा ऐसा कर मैं तो ऐसा बहुत करती रहती हूँ मिलावटी काम कभी कुछ मिला के देखती मिलावटी काम एक्सपेरिमेंट करती ये मैं करती ही रहती हूँ। हाँ तो अब क्या है मम्मी किचन में भी अब एक क्या होता है ना कि जब आपका जब खाना बनाने का पैशन हो कुछ तो उसके बाद क्या होता है आप सब कुछ कर जो फिर आप ट्राई करते हो स्वाद के साथ खेलने लग जाते हो। तो मम्मी ने सोचा कि आज इसके साथ भी खेलें खेला तो इसके अंदर भी सक्सेस मिल गई। हाँ बस ये ऑरेंज ज्यादा दिखता है और ऑरेंज का जो फ्लेवर रहता है थोड़ा सा हाई रहता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इतना ग्लूकोन डी क्यों बता रहा हूँ मुझे पता नहीं मैं पी रहा था तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं ट्राई करके देख सकते हो। गर्मियों में फायदेमंद होता है शरीर से पानी की कमी को दूर करता है और ग्लूकोज भी होता है। हाँ। तो ये दोनों चीजें ट्राई क्या पी लेना पीते ही हो गया है तो बता दिया भाई क्या। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने कमरे में यहाँ पे बैठी है राधिका। तब मैं आपको एक रात का इंसिडेंट बताता हूँ आपको बहुत प्यारा इंसिडेंट है वो देखिए इसके चेहरे पे कितनी मुस्कान आ गई है। गाइस मम्मी भी आ गई है और मैं और मम्मी तो पी रहे हैं ग्लूकोन डी और राधिका पिएगी रू अफजा असली माल। राधिका पीते हम पानी पीते दूध में डाल के हम पानी पीते पानी। खैर एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ जो कल रात को मैं एडिटिंग कर रहा था मेरे ख्याल से कितने 12:30 कुछ बज रहे थे 12:30 बज रहे थे तो फिर एडिटिंग कंप्लीट करके मैं सोने आया तो ये क्या सो रही थी तो एकदम से उठी और मेरे को कहती है कि ये ना गोलगप्पे खाओगे क्या। मैं इसके मुंह को देख रहा हूँ ये मेरे को देख रही है तो मैंने कहा ये क्या हुआ फिर मैं समझ गया कि ये नींद में है तो मैंने भी कह दिया मैंने कहा हाँ खाऊंगा तो इसने मेरे को खिलाया कैसे आप ध्यान से देखो हाथ यूं ऐसे उठाया यूं करके और यूं मेरे मुंह के आगे ऐसे ऐसे कर दिया ये इसने हरकत करी कल रात को। मतलब क्या सोच के ये किया मुझे पता ही नहीं है मैं नींद में थी। मुझे पता है क्या सोच के क्या सोच के क्या बताओ क्योंकि ये प्रवीणा कुक बुक के घर में है यहाँ पे रोज पकवान बनते हैं तो वही रात को सपने में आते हैं इसके दिन रात इसके ये रात को यही सोच रही थी कि पानी बना से खिला रही थी तेरे को तो ये सोच रही थी कि अब खिलाऊं इसके यादों पे खाने का कब्जा हो चुका है पानी बना से खिलाती नहीं कभी दादी से को तेरे को ऐसे पानी बना के तो वो तेरे मुंह में रात को भी खिला दी थी कल शाम को नहीं खिलाया इसलिए मुझे लगता है इसने नींद में खिला दिया है। आज तो खाऊंगा मैं कल भूल गया था मैं ताकि रात को नहीं खाना पड़े। नहीं और ऐसा नहीं है इसके बाद में भी इसने पता नहीं कुछ एक चीज और करी थी बाद में मैं भूल गया उस चीज को मुझे भी याद नहीं है। हाँ तो वो मैं भूल गया बाकी हो सकता है कि वो मावे की कचौरी हो नहीं वो खाने पीने का नहीं था वो कचौरी था ये वो मतलब खतरनाक किया ऐसे मैंने कहा कि हाँ खाऊंगा तो यूं ऐसे यूं हाथ करके और ये बस ये यूं कर दिया कि मैंने खा लिया बताओ बताओ हद हो गई है। तो गाइस आधी रात को नींद में राधिका गोलगप्पे खिला रही है और फिर उसके बाद में भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता है क्योंकि ये बस ये यूं ऐसे हाथ करके नींद में खिला देती है। और जब मैंने पूछा ना मैंने कहा ये क्या तरीका ऐसे तो हल्की से ऐसे ऐसे हंस रही है उसी वक्त दोस्तों उसी वक्त मैं गहरी नींद में जाने की सोच रहा था बस मैं सो गया उसके बाद में बेहोश हो गया आपका दिल टूट गया। हाँ यूं बस ऐसे हाथ करके और बस खिला दिया के गोई गप्पे नहीं मिले आपको। हाँ आवे मम्मी चेयर्स रोज वाला लेकिन बता दो तो रोज वाला क्या है ये रिफ्रेशिंग ये देखने में मम्मी ऐसे लगता है वो देसी नहीं होती नींबू नींबू फ्लेवर देसी लोग देसी मम्मी इसी व्लॉग में अभी अपन ने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में भी चीयर्स किया था ग्लूकोन डी का ना भाई दिन बदल गया है चीयर्स वही है हमारा ठीक है अभी देख लो कपड़े भी चेंज नहीं हुए क्योंकि मैं नहाया ही नहीं हूँ अब मैं नहाने जाऊंगा। और ये आ गई राधिका चीयर्स राधिका भी देसी नींबू पीती है।
सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अभी जो लास्ट क्लिप आपने देखी थी उसमें बोला था कि भाई अभी नहाए नहीं हूँ, नहा लेता हूँ, लेकिन नहाने अभी भी देख सकते हो बाल देखो ऐसे चिपके पड़े, नहाना हो चुका था और अब तो मैं दूसरी बार नहा ली हूँ, रात हो गई है और अभी मम्मी गोलगप्पे का पानी बना रही है। गोलगप्पे तो हमारे मतलब घर पे आजकल रोज कि भाई दो तीन शाम को हो ही जाते हैं, दादी सा के भी फेवरेट है, अभी बताता हूँ। देखो बना के रख दिया है मम्मी ने, यहाँ पे मसाले वसाले देखो अभी भी खुले पड़े हैं और ये देखो शीशी भर दी है भाई चटपटे पानी से, और ये रही मम्मी है भाई मम्मी है। और मैंने मम्मी को कहा नहीं भाई, मैं क्या कहते हैं भाई पानी से ही खा लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मम्मी ने कहा नहीं भाई आलू का मसाला भी ले। अब प्रमिला कुक बुक है तो परफेक्शन तो आना ही है, तो फिर आलू बूंदी और अभी ये कुछ मसाले चल रहे हैं, अभी इनको मैश करके फटाफट से मसाले बन जाएगा। एक्चुअली मैंने तो यूं ही बोल दिया था और पानी खत्म हो गया था, है ना हमें तो पानी में बूंदी डाल देते हैं ना, मैंने ये अलग रखा अन्न है ना तो भाई पड़ा रहेगा तो खराब नहीं हो, तो इसलिए मसाले में डाल दी, थोड़ा क्रिस्प रहेगा। एक्चुअली मैंने तो यूं ही बोल दिया और मैं जस्ट वहाँ पापा के वहाँ कमरे में जाके वहाँ से आके देखता हूँ तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आधा पानी बन भी चुका था, तो मैंने मम्मी को अरे मैं तो यूं ही पूछ लिया था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये पानी खत्म हो गया है, लेकिन देख सकते हो कितनी जल्दी वापस इसे भर दिया है। तो अब हम सबका गोलगप्पा टाइम शुरू हो गया है और पापा भी आ गए हैं। पापा को जो गोलगप्पा है ना बिना मसाले के पसंद नहीं आता है ना, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिना आलू का मसाला, तो वो बना है भाई। देखो क्या पापा पानी क्या हो गया आज, मजेदार पानी, मजेदार है मम्मी आज ही पानी मजेदार है, इतने दिन से नहीं हुआ था क्या, जवाब चाहिए हमको, जनता जानना चाहती है। ओ माय गॉड, आज ही मजेदार क्यों लगा हमें, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? थोड़ी तेजी है। क्या है इसमें? तेजी है, तेजी है मम्मी, तेजी है इसमें, तेजी है इसमें, तेजी है। देख सकते हो भाई मसाला पानी काम दे ता पड़ जाए तुम्हें, उसमें तेजी है। रात हो चुकी है, दिन में से कुछ ज्यादा ब्लॉग हो नहीं पाया है क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया तो काफी लोगों में बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी होगी, हमारी पड़ी है, तो अब एक एक दिन सब चीजें करके निपटानी है। और लेकिन फिर भी भाई ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुल गया हो और तो काम नहीं हो तो बाहर मत जाना भाई, ठीक है, क्योंकि ये खुलना तो था ही, लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते हैं, लेकिन सुरक्षा अपनी जगह है भाई मम्मी, मास्क लगाओ, अभी भी सैनिटाइजर रखो, सब कुछ करो, क्योंकि कोरोना बिल्कुल जीरो नहीं हो गया, वो है तो अपनी सुरक्षा रहेगी ना, तो वो बिल्कुल जैसे अब घट रहा है तो पूरा घट घट के खत्म हो जाएगा, सही नहीं कह रहा हूँ? हाँ। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो ये मतीरा खा लेना अपने घर पे लाके, क्योंकि ये तो मैं खाऊंगा। और जैसे कि आप ब्लॉग के एंड में मैं कहता हूँ मम्मी इधर आओ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मतीरा, खाओगे मदर फादर सबको क्यों देने ट्रबल, किसी को मदर का ही नाम लेते हैं फादर को बुरा लगता होगा, किसी को मत करो भाई, ठीक है, और लो मदीरा खाओगे नहीं खा पाओगे ना, अल्लाह के खा लेना। चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।